नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजी बर्ड न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ रिया शर्मा। चलिए नजर डालते हैं आज की इस खबर पे। माननीय रेल मंत्री ने उत्तर रेलवे के नई दिल्ली सहारनपुर रेल सेक्शन का निरीक्षण किया। सहारनपुर रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अंबिका हजरतपुर निजामुद्दीन साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की उद्घाटन सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली सहारनपुर रेल सेक्शन का विंडो निरीक्षण किया। उनके साथ उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री आशुतोष गंगल, दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री डिम्पी गर्ग और उत्तर रेलवे के प्रमुख विभाग अध्यक्षगण व दिल्ली मंडल के वरिष्ठ रेल अधिकारी मौजूद थे। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर अंबाला मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री जे एम सिंह और अंबाला मंडल के शाखा अधिकारी भी उपस्थित थे। निरीक्षण के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निरीक्षण यान में सवार होते हुए मंत्री जी को नई दिल्ली सहारनपुर रेल सेक्शन पर चल रही विकासात्मक परियोजनाओं से अवगत कराया गया। उन्हें इस रेल सेक्शन पर आने वाले विभिन्न स्टेशनों और वहां मौजूद यात्री सुविधाओं से संबंध में भी जानकारी दी गई। कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए रेल मंत्री ने परामर्श दिया कि ये सभी परियोजनाएं समय पर पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस रेल सेक्शन पर रेल परिचालन में संरक्षा के अति महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस रेल मार्ग पर उच्च घनत्व वाला रेल यातायात चल रहा है। माननीय रेल मंत्री ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 00864 अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन साप्ताहिक स्पेशल रेलगाड़ी की उद्घाटन सेवा से झंडी दिखाकर रवाना किया। यह उद्घाटन सेवा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से सुबह 9:30 बजे रवाना हुई, जो अगले दिन प्रातः 4:35 पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुँचेगी। इस रेलगाड़ी की नियमित सेवा 04044 दिनांक 19/7/2022 से हजरत निजामुद्दीन से यात्री 11:00 बजे प्रस्थान करके अगले दिन साय 7:30 बजे अंबिकापुर पहुँचेगी, जबकि अंबिकापुर से इस रेलगाड़ी की नियमित सेवा 04043 दिनांक 21/7/2022 से सुबह 7:15 पर प्रस्थान करके अगले दिन प्रातः 4:35 पर हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। यह रेलगाड़ी मार्ग में बिजरी, अनूपपुर जंक्शन, शहडोल कटनी, मुडवार, सौगोर, अगसोद, विरंगना लक्ष्मीबाई, ग्वालियर, आगरा छावनी तथा मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ठहरेगी। माननीय रेल मंत्री ने स्टेशन पर मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने मीडिया के प्रश्नों के उत्तर दिए और उन्हें बताया कि रेलवे चल रही विकासात्मक परियोजनाओं को पूरा करने और वहां समय से यात्री सुविधाओं संबंधी कार्य करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही। उन्होंने लोगों की अपेक्षाओं और मांगों, विशेष रूप से इस क्षेत्र में और अधिक रेलगाड़ियों चलाने व मौजूदा रेलगाड़ियों के ठहराव प्रदान करने को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मंत्रालय इस क्षेत्र में रेल उपकर्ताओं को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूजीबर्न न्यूज़ चैनल।